दोस्तों आज हम जियोग्राफी वाले हिस्से के अंतर्गत चुंगथांग डैंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चुंगथांग डैंग अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा था। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देखते हैं तो तीस्ता रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है चुंगथांग डैंग। पार्टिकुलरली हम यहाँ पर सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम में ब्लू कलर से ये तीस्ता रिवर दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डैम या फिर लेक बनाए गए हैं, जैसे कि जहाँ पर जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई थी, जहाँ पर बादल फटा था, वो जगह थी साउथ लोनाक लेक। सबसे ऊपरी हिस्से पर आप देख रहे हैं और ये तीस्ता रिवर है। फिर नीचे में फ्लैश फ्लड आई, पत्थर का मलबा, मिट्टी का मलबा, झील से रास्ते में जो कुछ भी आ रहा सबको समेटते हुए लाचेन डैम पहुंचा है। इसके बाद फिर वहां से वाटर रिलीज किया कर दिया गया। आप देखेंगे पानी कहां पर पहुंच गया है, चुंगथांग डैम में पहुंच गया। इसके बाद वाटर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहा है और अभी हाल फिलहाल में हम जो सिक्किम में घटना देखे हैं, बादल फटने की, बाढ़ आने की, इसके चलते चलते आर्मी पर्सनल मिस हुए हैं बार्द डैंग डैम से। और ये देखिए एक जगह यहाँ पर बताई गई है। तो न्यूज़ की भी हम बात करें, सिक्किम का जो चुंगथांग डैम कोलैप्स हुआ है, ये सिग्नल दे रहा है कि हमें जो है डैम सेफ्टी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में इमिशन में रिडक्शन लाने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज़्यादा पानी यहाँ पर आ गया, और जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यदि कोई भी चीज़ हो जाएगी तो वो फिर उसका ढहना तय है। तो जो डैम का कोलैप्स्ड हुआ था ये वाटर लेवल के बढ़ने के चलते चलते हुआ था। एलिवेटिंग डैम बाई एन अलार्मिंग 15 से 20 मीटर विथ द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर में आप देखेंगे वाटर का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसी के चलते चलते ये जो डैम है वो कलेप्स्ड हो गया था। इसका रिजल्ट आया फ्लैश फ्लड के रूप में। एक्रॉस न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित हुए थे। वहीं यदि हम चुंगथांग डैम और साउथ लोनाक लेक की बात करें तो ये जो चुंगथांग डैम है ये एक 1200 मेगावाट तीस्ता स्टेज थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। देखेंगे आप तीस्ता रिवर के ऊपर कई सारे डैम बनाए गए हैं ताकि हम बिजली का उत्पादन कर सकें, इसके अलावा हम इरिगेशन से रिलेटेड अपनी पूर्ति कर सकें, हम मछली पालन कर सकें, हम पीने के लिए पानी अवेलेबल करा सकें। तो तीस्ता रिवर के साथ साथ में ही हमने इसका निर्माण किए थे और ये 2017 से काम करना चालू कर दिया था। प्राइमरी इसका जो फोकस रहा था वो था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का। आगे बताया जा रहा है ये जो डैम रहा है आगे बताया जाता है कि देखिए नॉर्मली इसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा बिजली बनाने की यहाँ पर योजना चल रही थी ताकि जो सरप्लस बिजली है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। कहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल में। चुंगथांग सिचुएटेड है 1700 मीटर अबव सी लेवल, समुद्र से औसत इसकी यदि हम हाइट देखेंगे तो 1700 मीटर की हाइट पर ये लोकेटेड है। एंड ये लाचेन रिवर के कन्फ्लुएंस में है जो कि ओरिजिनेट हुई है साउथ लोहनाक लेक से एंड द लुचांग रिवर टुगेदर फॉर्मिंग द तीस्ता रिवर। मैप में हमने देखे थे कि दो जो नदियां हैं वो मिलाकर के तीस्ता रिवर का निर्माण कर रही थी। वहीं यदि हम साउथ लोहनाक लेक की बात करें, ये लोकेटेड है लगभग समुद्र के औसत, इसकी जो हाइट है वो 5200 मीटर से है। वास क्रिएटेड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ लोहनाक ग्लेशियर, ये कैसे करके इसका निर्माण हुआ है, लोहनाक ग्लेशियर के पिघलने से इसका निर्माण हुआ है। द एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रिस कैरीड बाई ग्लेशियर और आइस शीट इज कॉल्ड मोरेन। यहाँ पर कुछ कुछ टर्म भी इस्तेमाल में लाई गई हैं जैसे कि GLOF जैसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो GLOF का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। तो जैसे कि नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो गया है, एक ऐसे फ्लड का हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं
जब कोई एक डैम, ठीक है, कॉन्टेनिंग ए ग्लेशियल लेक कोलेप्स्ड, यदि ग्लेशियल लेक के चलते चलते कोई डैम कोलेप्स कर जा रहा है, ढह जा रहा है, क्योंकि वो अब उसके पानी को सह नहीं पा रहा है। अब इसका सोर्स कहाँ से है? इसका सोर्स है कहीं पर जमी हुई झील, पानी कहीं पर जमा हुआ है, वहाँ से कंटिन्यू पानी का सोर्स इसको मिलते जाता है।